पुलिस ने 65 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ भट्टी में जलाकर किए राख। अनूपगढ़ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 65 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नियमानुसार जलाया है। यह निस्तारण प्रक्रिया कमल प्लास्टर उद्योग 5RM अनूपगढ़ में पूरी की गई। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार अनूपगढ़ जिले के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए जलाने की यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में डोडा पोस्ट, नशीली गोलियां, चिट्टा हेरोइन, गांजा और अफीम के पौधे शामिल थे। जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा और उनकी अनुमानित कीमत। डोडा पोस्ट 12 क्विंटल 2.144 किलो मूल्य 1,80,32,000 रुपए। नशीली गोलियां 59,986 गोलियां मूल्य 2,39,94,000 रुपए। चिट्टा हेरोइन 12.161 किलो मूल्य 60,80,00,000 रुपए। गांजा 8.037 किलो मूल्य 4,00,000 रुपए। अफीम के पौधे 455 पौधे। यह कार्रवाई पुलिस अधिकारियों और नोडल समिति की उपस्थिति में की गई, जिसमें सभी मादक पदार्थों को विधिवत रूप से जलाया गया और इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया।